नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कल 14 मई 2020 शाम को 17:17 पर सूर्यदेव मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर 14 जून 2020 23:54 तक वहां रहेंगे, यानी कि 14 मई से 14 जून ये पूरा एक महीना दोस्तों हम देखेंगे कि कौन सी राशि वालों के लिए शेयर बाज़ार करना शुभ रहेगा और कौन सी राशि वालों के लिए शेयर बाज़ार करना अशुभ रहेगा। शेयर मार्केट हो, निफ्टी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड हो, कोई भी ट्रेडिंग आपको करनी है तो आपके लिए कौन सी राशि के लिए शुभ है और कौन सी राशि के लिए अशुभ है, यदि आप ये जान लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात, आपको कोई भी डेली ट्रेडिंग दे दे, कोई भी वीकली आपको ट्रेडिंग का टिप्स मिल जाए, मंथली टिप्स मिल जाए, लेकिन यदि आपका समय खराब है तो आपको नुकसान होगा ही होगा, लेकिन यदि आपका समय सही है तो आप ट्रेडिंग करेंगे, आपको टिप्स मिले या ना मिले, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, कल मेरा वीडियो आएगा, दूसरा वीडियो कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये आपकी राशि के ऊपर है। यदि आप राशि के मुताबिक काम करेंगे, शुभ है तो ही आप बाज़ार करिए, यदि आपकी राशि अशुभ है तो 14 मई से 14 जून आप बाज़ार से दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। ऐसे ही पूरे देश में लॉकडाउन चालू है, भयंकर मंदी चालू है, तो आप अपने पैसे का नुकसान मत कीजिए। और आपकी राशि शुभ है तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया है, कोई भी टिप्स दे या न दे, आपके लिए समय वो शुभ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 14 मई 2020 से 14 जून तक का फलादेश आपको मैं दे रहा हूँ, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और आप अपनी राशि देख लीजिए, आपकी राशि शुभ है तो ही आप काम कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो राशि है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों के लिए ये समय जो है शुभ समय है, यानी वृषभ, कन्या, मकर वाले बाजार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रही बात कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये समय अति शुभ समय है। ठीक है, कर्क राशि वालों के लिए ये समय अति शुभ है। मीन राशि वालों के लिए ये समय शुभ रहेगा। ठीक है, मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले, मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय मध्यम रहेगा। हो सके तो ट्रेडिंग ना ही करें तो ठीक है, नहीं तो एकदम कम से कम इन्वेस्टमेंट का वो ट्रेडिंग करें। मेष और वृश्चिक के लिए ये समय जो है वो मध्यम समय है। ठीक है, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये जो पांच राशि है इनका समय जो है अशुभ समय है, या कह सकते हैं कि अति अशुभ समय है। मिथुन, तुला, कुंभ, सिंह और धनु, ये पांच राशि वालों के लिए समय जो है ये अशुभ समय है। ये पूरे महीने बाज़ार में बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें तो उनके लिए ये समय अशुभ रहेगा। ये फलादेश इंट्राडे ट्रेडिंग वालों के लिए है, पोजिशनल वाले भी यदि इस समय को मानते हैं तो उनके लिए भी रिजल्ट ये
बहुत ही बढ़िया जो है वो मिलेगा। तो इसमें दोस्तों पांच राशि अशुभ है, दो राशि मध्यम है, सात राशि हो गया, सिर्फ पांच राशि वाले जो है ये समय जो है उनके लिए जो है पांच राशि वालों के लिए ये समय शुभ रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अपनी कुंडली दिखाना है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये चैनल रिसर्च बेस्ड चैनल है, इसमें हमारे आपके लाभ और आपके हानि से हमारा कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन आपको लाभ होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हम आपको ये ज़रूरी सूचना जो है बीच बीच में आपको हम देते रहते हैं, तो इसलिए दोस्तों आप ये चीज़ को देखिए, अप्लाई कीजिए। यदि समय आपका शुभ है तो ही कीजिए, नहीं है तो ये महीने पूरा शांत होकर बैठिए। अगले महीना 14 जून को हमारा फिर वीडियो आएगा कि कौन सी राशि वाले जो है काम कर सकते हैं, कौन सी राशि वाले बाजार में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जिन राशि वालों के लिए समय ये शुभ है उनके लिए कांग्रेचुलेशन, जिन राशि वालों के लिए मध्यम है उनके लिए जो है भगवान करे उनका समय अच्छा रहे, जिन राशि वालों के लिए समय अशुभ है भगवान उनका कल्याण करें, लेकिन आप जो है ट्रेडिंग से बचे रहेंगे तो आपका पैसा बचा रहेगा। ठीक है दोस्तों। जय श्री राम।